हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आपका चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे बजाज सिटी एंडेड ये गाड़ी है मेरे पास और इसकी टाइम तरीके से सेट की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि भाई बजाज सिटी एंडेड की टाइमिंग के बारे में बताइए, और अगर आपको और भी किसी भी गाड़ी की टाइमिंग के बारे में जानकारी लेनी तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी कीजिए और इंस्टाग्राम पर ज़रूर मैसेज कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो में आ गए, तो हमको बजाज सिटी एंडेड की टाइमिंग चेक करने के लिए क्या क्या देखना पड़ेगा, किस तरीके से बजाज सिटी एंडेड की टाइमिंग चेक होती है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले ये ढक्कन खोल लेना जो कि पेचकस से खुलेगा, और फिर ये खोल लेना ये आपका 17 नंबर पाने से खुलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए 17 नंबर पाना है और इसे हम खोल लेंगे, ये हम नट खोल लेते हैं। और खोलने के बाद हमको क्या करना है, ये वाला जो पेज होता है ये वाला भी पेज खोल लेना है। दोस्तों टाइमिंग की हमको या तो टैपेड मिलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है या फिर टाइमिंग चैन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तब हमको टाइमिंग मिलानी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। ये दोनों में हमने खोल लिए हैं, अब हमको क्या करना है, अब हमको ये दोनों 10 नंबर वाले बोल्ट खोल लेने, ठीक है दोस्तों। ये बजाज सिटी एंडेड के बारे में बता रहा हूँ, अगर आपको और भी किसी गाड़ी के बारे में जानकारी लेनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये दोनों 10 नंबर गोटी से हम खोल लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमने 10 नंबर से हम इसको खोल लें, ठीक है दोस्तों। तो 10 नंबर साकेट से खोल लीजिएगा, किसी किसी में 8 नंबर लगता है, किसी किसी में 10 नंबर लगता है। और दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ, प्लेटिना और सिटी एंडेड दोनों सेम होता है। प्लेटिना जो ओल्ड मॉडल होती है जिसका इसी तरीके का इंजन होता है उसका, और सिटी एंडेड का दोनों का इंजन सेम होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये नहीं सोचना है कि प्लेटिना का मेथड अलग होगा, प्लेटिना का और सिटी एंडेड का एक ही होता है। तो ये हम निकाल लेंगे, ठीक दोस्तों, ये हमने निकाल लिया है। अब हम इसकी टाइमिंग मिलाएंगे, टाइमिंग किस तरीके से मिलाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए हमको ये 14 नंबर बोल्ट इसके अंदर डालना पड़ेगा, 14 नंबर गोटी, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर 14 नंबर बोल्ट होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, आपको अगर दिख पा रहा हो तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों 14 नंबर बोल्ट होता है, इसमें हम 14 नंबर गोटी फंसा करके इसकी टाइमिंग मिलाएँगे। तो दोस्तों ये देखिए 14 नंबर गोटी है, और ये देखिए, और इसको हम इसके अंदर फिट कर देते हैं, इस तरीके से फिट हो जाएगा, और इस तरीके से टाइमिंग से घुमाते हैं, ठीक है दोस्तों। और टाइमिंग से घुमाने के बाद हमको टाइमिंग कहाँ चेक करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसको लगाने के बाद आपको टाइमिंग कहाँ चेक करनी है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको टी का निशान दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम घुमाते हैं धीरे धीरे, और घुमाते हैं इसको इस तरीके से, आप घुमाइएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमने घुमा दिया, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको टी का निशान इसके अंदर से दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हमने घुमा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, ये टी का निशान इसके अंदर ये रहा, ये देखिए दोस्तों, ये टी बना हुआ है। आपको अगर कैमरे में दिख रहा हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये टी बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस होल से ये टाइमिंग दिखती है, ठीक है दोस्तों। ये जो टाइमिंग यहाँ से हम घुमाते मैग्नेट इस तरीके से, ये हम घुमाते हैं इसको इस तरीके से घुमाते हैं, और ये होल से जो होता है, ये जो होल होता है इसके अंदर से टाइमिंग दिखती है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम दिखा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, ये टी का निशान इसमें दिख रहा होगा। ये जो टी का निशान यहाँ पर अगर दिख रहा है तो समझ लीजिएगा आपकी टाइमिंग फिक्स है। ये देखिए दोस्तों, ये आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ से ये घुमाएंगे, और यहाँ से फिर टी का निशान दिखेगा, और फिर जो टाइमिंग चैन का जो आपका एरो होता है, जो कट बना होता है, जो टाइमिंग होती है टाइमिंग चैन की, वो आपको कहाँ दिखाई देगा। तो दोस्तों ये देखिए, आपको ये कट का निशान दिख रहा है, और ये हेड पर भी ये कट का निशान दिख रहा है। तो दोस्तों ये इसके सामने होना चाहिए, और आपका जो है यहाँ पर ये टी दिखाई देना चाहिए, जो कि आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये टी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दोस्तों। ये टी दिखाई दे रहा है आपको, और ये यहाँ से घुमाना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको पता चल गया होगा बजाज सिटी एंडेड की टाइमिंग किस तरीके से मिलाते हैं। और दोस्तों अगर आपको टैपेट सेट करने हैं, टैपेट सेट करने की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, कृपया जाके आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।